ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए उस भगवान को, परमात्मा को, माता रानी को, उस असीम यूनिवर्स की शक्ति को प्रणाम करता हूं। हम बात कर रहे थे आज्ञा चक्र के बारे में। आज्ञा चक्र, थर्ड आई, सिक्स चक्र, नाम कुछ भी कहें पर है जे कमाल का। दोस्तों, अगर आप इस चक्र के बारे में, थर्ड आई के बारे में, आज्ञा चक्र के बारे में जान लेते हो और गुरु कृपा से, आपकी आस्था श्रद्धा विश्वास से, आपके ज्ञान से अगर ये एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है, वहीं से रियल जिंदगी आपकी शुरू हो जाती है। आप भगवान शिव जी की प्रतिमा को देखते हो, उनके अलग अलग स्वरूप हैं बहुत से, अलग अलग प्रतीक हैं उनके, पर जिस प्रतीक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं वो थर्ड आई के बारे है। आप देखेंगे कि भगवान की दोनों आंखें बंद होती हैं और तीसरी आंख उनकी खुली होती है। इसी तरह से ये तीसरी आंख भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने सबको दी है। उसके ऊपर जन्मों जन्मों के ऐसे बादल छाए हुए हैं, हमारे थॉट्स, हमारे पास्ट कर्मों के फल, उस थर्ड आई को, जैसे किसी चीज में गंदगी पड़ जाती है, ये व्हाइट कपड़ा है, इसमें गंदगी पड़ जाएगी तो रियल व्हाइटनेस इसकी दिखाई नहीं देगी। आप क्लीन करेंगे, ब्लीच करेंगे, फिर व्हाइटनेस आएगी। तो ऐसी गंदगी जहां पे जमा हो गई है कि हम तीसरी आंख को ही भूल गए हैं। छोटा बच्चा जब पैदा होता है, दो साल तक उसका जो आज्ञा चक्र है बहुत जागृत होता है, उसकी तीसरी आंख बहुत जागृत होती है। आप देखें तो बच्चा कभी अपने आप हंस रहा होता है, कभी अपने आप खुश हो रहा होता है, कभी अपने पास चहक महक रहा होता है, क्योंकि उसकी तीसरी आंख खुली है। वो तीसरी आंख से जो सूक्ष्म जगत है उसको देख सकता है, वो देवी देवताओं के दर्शन कर सकता है, वो फरिश्तों के साथ खेल सकता है, क्योंकि उसकी तीसरी आंख खुली हुई है। दो साल के बाद धीरे 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 जैसे वो इस दुनिया में आता है, उसकी वो तीसरी आंख बंद होने लगती है, और सात साल के बाद, कभी छह साल के बाद धीरे धीरे बात खत्म हो जाती है। पर कुछ ऐसे अवतार पुरुष, कुछ ऐसे बच्चे आज भी हैं कि जिनकी तीसरी आंख सात साल के बाद भी खुली रहती है, उनके पास्ट कर्मों के कारण, गुरु कृपा के कारण। हमारा, हम पिछली बार भी बात कर रहे थे, हमारा जो दो प्रकार के शरीर की आज हम बात करेंगे। ये स्थूल शरीर जिससे मैं बोल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आपको देख पा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर जो अलग से बॉडी से हट करके है, जिसको हम कहते हैं कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, सदा रहता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। अन्नमय कोश
जो अन्न खाने से पैदा होता है, जिसको धरती मां से जो कुछ भी मिलता है, जब तक वो उसको नहीं मिलेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। वो पृथ्वी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, पानी पीते हैं, पानी पृथ्वी से आता है, अनाज खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, पृथ्वी से आता है। आप कुछ दिन कुछ भी नहीं खाओ तो आपका ये अन्नमय कोष, स्थूल शरीर में इसमें एनर्जी नहीं रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगी। और जो प्राणमय शरीर है वो प्राण से ही शक्ति लेता है, प्राण भी डायरेक्ट भगवान से, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आप इसकी साधना करते हो तैसे तैसे आप दूसरे व्यक्ति हो जाते हो। जो हमें आज्ञा चक्र पे जाने से पहले हमें ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी के बारे जानना होगा। चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना, इसके बारे विस्तार से चर्चा फिर कभी करेंगे। पर इसका ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का आज्ञा चक्र के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। आप नॉर्मल सांस लेते जाते हो, सांस लिया, रोका, लिया, रोका, तो आप ईड़ा पिंगला के साथ ठीक हो। कुछ लोग जन्म लेते हैं ईड़ा पिंगला की स्थिति तक ही पहुंचते हैं और मर जाते हैं। जब आप सुषुम्ना तक पहुंचते हो तो आपका सूक्ष्म शरीर शक्तिशाली होने लगता है। वो सुषुम्ना सीधा आज्ञा चक्र के साथ रिलेशन। आप देखें भगवान शंकर की प्रतीक की ही बात करें तो भगवान के त्रिशूल को देखें, उन्होंने त्रिशूल पकड़ा होता है, त्रिशूल, दो शूल बराबर के हैं, तीसरा जो शूल है ऊंचा है, लेफ्ट राइट, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, सुषुम्ना का प्रतीक है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का बैलेंस श्वास से ही किया जा सकता है, प्राण से ही किया जा सकता है। इसीलिए सांस को आपको कहते हैं कि साक्षी भाव से देखो, सांस लो, बाहर निकालो, छोड़ो, बाहर निकालो, छोड़ो, बाहर निकालो। और आपने इसी पर ही पूरा ध्यान देना है। आज आज्ञा चक्र को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है थोड़ी सी इसकी बात करेंगे, इसको अभ्यास करें। इसके बहुत से अलग अलग विधान हैं और आज्ञा चक्र पे आप लोगों ने बहुत ध्यान किया है, पर अभी कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि हम करते हैं फिर छोड़ देते हैं फिर वापस आ जाते हैं। इसलिए ध्यान की प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। आज्ञा चक्र के बारे में, थर्ड आई के बारे में मजे की बात है, बहुत मजे की बात। जब जे थर्ड आई एक बार जागृत हो जाती है ना, आप आंख बंद करते हो आपकी भगवान के साथ सीधी बात हो जाती है। ऐसे बहुत से सूफियों ने इसके बारे लिखा है, आंख बंद की तो दीदार जार का हो गया, आंख बंद करके आप उसको देख लेते हो, जैसे आंख बंद करते वो सामने आ जाता है। पर उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी गुरु कृपा चाहिए आपको। जब तक उसके साथ प्यार नहीं होगा, जब तक आपको अपने इष्ट के साथ, अपने गुरु के साथ
उस शक्ति के साथ इश्क नहीं होगा तब तक बात नहीं बनने वाली। जब तक आप, जब प्यार हो जाता है, प्यार के बाद जो इंतजार होता है उसकी अपनी एक बात होती है ना। आप शंकर भगवान के मंदिर में देखें, हम शंकर, क्योंकि थर्ड आई का पूरा पूरा रिलेशन ही भगवान शंकर जी से है, नंदीगण भगवान बैठे होते हैं, आपने देखा नंदी कितनी मस्ती में भगवान शंकर का इंतजार कर रहे होते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि कब भगवान उठेंगे, कब आएंगे, मेरी सवारी करेंगे, बैठे हैं मजे के साथ। तो इंतजार करना आपको नंदी भगवान से सीखना, नंदी से सीखना। और जैसे आप थर्ड आई में ध्यान करें फिर इंतजार करें, इंतजार जो प्यार का इंतजार होता बहुत मीठा होता है। वैसे आप कहीं लाइन पे खड़े हो, थोड़ी सी लाइन कोई तोड़ दे आप गुस्से में आग बबूले हो जाएंगे, कहीं आपको किसी प्यारे का इंतजार करना है तो आप घंटों भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो जब उस प्यारे का करना है जो रूहानियत वाला है, लौकिक है, जो सबका मालिक है, तो उसकी तो बात ही दूसरी हो जाएगी। पर सब कुछ जाएंगे इसी धरती से होकर के ना। और जब थर्ड आई आपकी खुल जाती है फिर उससे होता क्या है, कुछ लोगों ने पूछा, फिर आप सूक्ष्म शक्तियों को देखने लगते हो। आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, आप प्लेन में सफर कर रहे हो, आप कहीं गार्डन में टहल रहे हो, वहीं पे आपको कोई देवी देवता फरिश्ता मिल जाएगा, आप उसको प्रणाम कर लेंगे। कभी आपको कोई नदी किनारे जंगल में घूमते भी कोई मिल जाएगा, आप उससे भी मिल लेंगे, फिर आप दूसरे जगत के साथ भी हो जाएंगे और धीरे धीरे फिर उसी जगत में हो जाएंगे। कभी जब आपकी थर्ड आई खुलती है तो कभी किसी से दूर होते हैं तो लगता नहीं भगवान ने मुझे उस जगत के साथ जोड़ दिया, वो बहुत मालिक व्यंत है, वो मां बड़ी व्यंत है, वो बड़ी कृपालु दयालु है, वो कहती नहीं बेटा इधर नहीं, इधर आ, तेरा यही रास्ता है, तू इधर ही आने वाला है। थर्ड आई खुलने के बाद आप जो आज्ञा करते वो होने लगता है, जो चाहते वो होने लगता है। आप किसी जंगल में भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जो आपको खाना चाहिए मिलेगा आपको, कोई चमत्कार होगा। अगर आपका थर्ड आई वाले का कुछ नहीं होता तो अंदर से चाहता नहीं है, उसकी चाहत में कोई कमजोरी है, उसके संकल्प में कोई कमजोरी है। आज्ञा चक्र का खुलना ऐसी समझ लें स्थिति है कि आप अपनी मंजिल में जाने के लिए प्लेन में बैठ गए, ऐसा प्लेन चार्टर्ड प्लेन ना जो बहुत जल्दी ले जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। इसके लिए दोस्तों इस सफर में आगे बढ़ने से पहले फिर आपसे प्रार्थना करूं, क्षमा करना, क्षमा मांगना ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। उसने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसको भूल जाना, मैंने किसी को गलत कह दिया तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी, उसके पांव छू के भी माफी, तब आपकी बात बन जाएगी। जेलसी को छोड़ देना, ईर्ष्या को छोड़ देना, और कोई भी मिले किसी का भी भला करना, किसी का भी भला करना, प्यार सबके साथ प्यार। क्योंकि हम, आप देखें, आपको कोई दुनियादारी में कोई गिफ्ट देता है, आपके माताजी ने, पिताजी ने, पति ने, पत्नी ने, बच्चों ने, बॉयफ्रेंड ने, गर्लफ्रेंड ने कुछ भी दिया आपको, तो आप उसको छूने नहीं देते किसी को, कहीं टूट नहीं जाए, कहीं गंदा ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। तो जो भगवान के गिफ्ट घूम रहे हैं उसके साथ भी प्यार होगा, जो अर्प हमारा उसके साथ होगा तो उसके साथ भी हो जाएगा। इसके तीन स्टेप से शुरू करेंगे ध्यान को। आप
थोड़ा सा क्लीन कर ले अपने आप को रेचन क्रिया से, उसके बाद गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, पहले क्लीम कालिकाय नमः, क्लीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करें। क्लीनिंग के लिए आप अपने गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। क्लीम कालिकाय नमः, 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 कालिकाय नमः, क्लीम 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 कालिकाय नमः। मन में इस मंत्र को दोहराएंगे, क्लीम कालिकाय नमः, 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 क्लीम कालिकाय नमः। अपने फर्स्ट चक्रा को क्लीन करें, आज्ञा चक्र से रेजेज निकालते हुए सेकंड चक्रा को क्लीन करें, थर्ड चक्रा को, नाभि चक्रा को, हृदय चक्रा को, कंठ चक्रा को, वास्तव में हमारी जो एनर्जी है ना वो ऊपर से नीचे की ओर जाती है, हम कितनी भी कोशिश करें कहीं ना कहीं हम बहक जाते हैं, जैसे पानी ऊपर को नीचे की ओर ही जाएगा, पानी ऊपर से नीचे की ओर ही जाएगा,
पानी को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाना है, बहुत फ्लो चाहिए, एक धारा चाहिए, उसके लिए कितने पंप लगाने पड़ते हैं, कितना इंतजाम करना पड़ता है। हम बहुत प्योर हो जाते हैं, बहुत शुद्ध हो जाते हैं, फिर हम उस भगवान के साथ में लिंक होने लगता है, उन शक्तियों से एकाकार होने लगते हैं। अचानक कुछ ऐसी स्थिति आती है, फिर भटक जाते हैं, कहीं किसी चक्कर में, कहीं किसी चक्कर में, कहीं किसी चक्कर में। कभी कभी वो भटकन इतना गहरा रूप ले लेती है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें उस परमात्मा को भी याद करना है, भूल जाते हैं। हमें लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। कभी कभी व्यक्ति अपने साथियों को भी समझने लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं जो हूं सब करूंगा। गुरुजी ने कहीं कहा है, एक पल में उसका घरौंदा बिगड़ गया जो कहता था कि फानी नहीं हूं मैं। पता नहीं कब चले जाएंगे ना, कब घरौंदा बिगड़ जाएगा। एक सांस निकली, गए, किसी की कोई गारंटी नहीं है। और जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर के साथ रابطہ हो जाता है, और जैसे जैसे हमने संस्कार किए हैं, जैसे जैसे कर्म किए हैं, वैसी स्थिति को भोगते हैं। सूक्ष्म शरीर भी ऐसी एनर्जी को कत्तर करता रहता है। तो जो आज्ञा चक्र को जागृत करना है, वो हमें अपनी एनर्जी को ऊपर तक, ऊपर की ओर ले जाना है। जैसे कहते हैं कि काम से राम तक भी पहुंचा जा सकता है, और जब एनर्जी नीचे की ओर बहने लगे ज्यादा, तो फिर हम भटक जाएंगे राम से काम की ओर। आपने देखा कितने 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 भक्ति वाले लोग भी भटक जाते हैं, कभी धन के लोभ में, कहीं औरत का आकर्षण, कहीं आदमी का आकर्षण, ऐसी अट्रैक्शन के आदमी भटक जाते हैं। तो अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें तो फिर हम ऊपर की ओर जा सकते हैं, परमात्मा की ओर जा सकते हैं। और जो शक्ति क्रिया ध्यान है दोस्तों, वो ये नहीं कहता कि आपको कष्ट सब कुछ छोड़ देना है, वो कहता है कि आपको होश में रह करके सब सुख भोगना है, बेहोश नहीं होना है। आप दुनियादारी के चकाचौंध में इतना नहीं खो जाना कि आप परमात्मा के प्रति, समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, दोस्तों के प्रति, गुरु के प्रति अपनी ड्यूटी भूल जाओ। ऐसा नहीं करना। अभी आप गहरी सांस लेंगे, इसको कम से कम 10 मिनट तक करना चाहिए, क्योंकि आपको सिखाना होता है, कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी होती हैं, तो वक्त कम होता है। आप डीप श्वास लेंगे, बाहर निकालेंगे, ऐसे बाहर निकालते हुए अंदर खींचते हुए सांस को देखने की कोशिश करें, सांस को साक्षी भाव से देखने की कोशिश करें। साक्षी भाव, मैं, मेरा शरीर सांस ले रहा है, मैं देख रहा हूं, मेरा शरीर सांस छोड़ रहा है, मैं देख रहा हूं। सांस की प्रक्रिया भी अजब बनाई भगवान ने। आप देखेंगे जैसे आप साक्षी भाव से सांस को महसूस करने लगते हो, आप बहुत शांत हो जाते हो।
गहरी सांस लें, सांस रोकें, सांस को बाहर निकालें। इस प्राण ऊर्जा को सांस छोड़ने को, सांस लेने को, जैसे आपको कहा था पिछली बार, एक माला की तरह बना लें। सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं, लेते जाएं, छोड़ते जाएं, एक माला की तरह। आंख बंद रखें, एक दूसरी प्रक्रिया आपको बता रहा हूं। कुछ लोगों को फिट बैठती है, कुछ लोगों को नहीं बैठती, पर आप कोशिश करके देखें। अगर जिनको ये सहज हो गई, उनका आज्ञा चक्र बहुत जल्दी जागृत होगा। आज्ञा चक्र है कहाँ पे? थर्ड आई। कुछ लोगों की जहां भी होती है, कुछ की जहां भी होती है, कुछ की जहां भी होती है, ये आपके पास्ट कर्म के संस्कार के हिसाब से होती है। गुरु महाराज आपको बता देते हैं कि कहाँ पे है। जैसे आपको कहा, वो तिलक वहीं करते हैं जहां आपकी थर्ड आई होती है। आप आंख खोलें, आंख खोल के इस प्रैक्टिस को आपने करना है, सुन लेना, समझ लेना ध्यान से अच्छी तरह। ये नाक का जो कोना है, आंख खोल के इसको देखने की कोशिश करें। इसका 3 मिनट से प्रैक्टिस शुरू करें, 10 मिनट तक ले जाएं। आप कहेंगे दिखता नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे दिखने लगेगा। आंख खोल के देखने की कोशिश करें। अगर थोड़ी मुश्किल हो रही हो तो ऐसे उंगली रख लेना आपके ऊपर, उंगली दिख जाएगी सबको। बस इस प्रैक्टिस को जैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे एक लाइन सी खींचने लगी है आपके साथ, जैसे जहां आंख है जहां एक लाइन सी खींचने लगती है। किसी को 15 दिन में, किसी को 20 दिन में, किसी को महीने में महसूस होता है। कुछ अलग से महसूस हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। जैसे आपकी लाइन खींचने लगेगी, आप देखेंगे कि आंख खोलने से आपको जो नाक का हिस्सा भी दिखाई देने लगा। और जैसे वो लाइन खींचने लगती है तो आपके आज्ञा चक्र की पावर इतनी है, थर्ड आई की पावर इतनी है, वो लाइन को ऑटोमेटिकली खींच लेता है। जैसे वो लाइन बनने लगी, आज्ञा चक्र ने उस लाइन को खींचा, आप देखेंगे आपके जहां कभी जलन होगी, कभी खुजली होगी, कभी कुछ महसूस होगा, कभी वाइब्रेशन होगी, अलग अलग ढंग से होगी। और जैसे जैसे
वो वाइब्रेशन होने लगी उसको छोड़ना नहीं है। जब भी टाइम मिले तो आंख बंद करके बैठ जाएं, दो मिनट मिलते हैं, पांच मिनट मिलते हैं, ताकि ध्यान उधर रहे। जैसे कभी आपका एग्जाम होता है तो कुछ भी करें ध्यान एग्जाम की ओर होता है, कोई जरूरी मीटिंग होती है कभी तो ध्यान उस मीटिंग की ओर होता है, कभी कभी आप बैठे जहां होते हैं ध्यान कहीं और होता है और कहीं और कहीं जिंदगी में घूम रहे होते हैं, तो इसकी ओर ही ध्यान रहे। जैसे इसकी ओर ध्यान रहेगा तो आप धीरे धीरे थर्ड आई के नजदीक पहुंचते जाएंगे, आपका आज्ञा चक्र जागृत होता जाएगा। कभी कभी आप जाएंगे किसी गार्डन में, किसी शक्तिपीठ पे, कोई धार्मिक समागम में, कहीं और भी, तो आपको महसूस होने लगेगा जहां तो 50 लोग बैठे हैं पर मुझे तो महसूस हो रहा है हजारों लोग हैं। समझ लो आप बहुत करीब पहुंच गए। और जैसे जैसे और आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा आपको उन सूक्ष्म शक्तियों के दर्शन होने लगेंगे और आपको होश नहीं रहेगी, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई बैठा है, कौन बैठा है, आप अपने आनंद में आ जाएंगे। सांस की जो प्रक्रिया है वो तो आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, ऐसे अपनी नासिका के अग्र भाग को देखना इसकी प्रैक्टिस करें। और अभी ऐसे फिर उंगली को देखें, उंगली को देखते हुए आंख बंद कर लें, हाथ उठा लें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। जो लोग मूर्ति को नहीं मानते हैं वो ज्योति का ध्यान कर सकते हैं, पर मूर्ति से बहुत इजी होता है, हम धीरे 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 वहां पहुंच जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा ए से एप्पल सीख जाता है, बैट से बी सीख जाता है, कैट से सी सीख जाता है, तो तैसे तैसे हम सीख लेते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं हम इष्ट के साथ हो जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि आप मूर्ति का ध्यान करते हो, लोग कहें बुत प्रस्ती से, लोग कहें बुत प्रस्ती से, मैंने तो इसी में मां तुम्हें रूबरू कर लिया। मां रूबरू हो जाती है, आप अपने इष्ट का अपने मूर्ति का ध्यान करें और आप देखेंगे कभी कभी दूसरा ध्यान भी हो जाता है। पूरे विश्वास के साथ प्रतीक्षा करें, इष्ट के साथ जाएं, इष्ट के चरणों में जाएं। गुरु जी का बहुत अच्छा शेर है, मुझे कभी समझ नहीं आई उसकी, पिछले कुछ सालों से समझ आई जब मुझ पे कृपा हुई। कहते हैं बंदगी में भी एक अजाज दिखाया हमने, बंदगी में भी एक अजाज दिखाया हमने, सर यरे यार पे रख कर ना उठाया हमने। क्या बात है, क्या सर रखा होगा, कुर्बान कर दिया होगा अपने आप को। जब थर्ड आई खुलती है ना सब फिर एक हो जाते हो आप इष्ट के साथ, आपको कोई फर्क नहीं रहता, लगता है सर तो खत्म हो गया ना, जब झुक गया तो खत्म हो गया। ऐसा रूहानियत का नशा है, अपने इष्ट का ध्यान करें, आज्ञा चक्र पे ध्यान करें। और मेरी रिक्वेस्ट है जो भी सुन रहे हैं इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, आप देखेंगे कि आपकी संकल्प शक्ति
आपकी इच्छा शक्ति, आपकी गोल प्राप्त करने की शक्ति, आपकी आगे बढ़ने की शक्ति कितनी बढ़ गई है, कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और आध्यात्मिकता में भी प्रगति कर रहे हैं। इसके और फिर आगे आगे ढंग हैं, आपको बताएंगे जो जितने मुझे पता है। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूं इस विद्या का। जैसे प्रतिदिन पूजा करते हो, माता जी का दिया जलाते हो, फूल चढ़ाते हो, सब पूजा करने के पश्चात ऐसे मां के चरणों में बैठ जाएं। क्योंकि जब तक आपका प्यार नहीं होगा तब तक दीदार नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। आपको जो भी करना है मन से, वचन से, कर्म से, भाव से करना है। मन वचन भाव कर्म एक होने चाहिए। अगर आप बहुत जोर जोर से गा के भी शुद्ध मंत्र बोलते हो, आपका भाव नहीं है, आपका मन नहीं है, आप तोते की तरह हो गए। जैसे तोता तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग में बहुत से भक्त होते जैसे होंगे, बंदर जैसे होंगे, नकल करेंगे बहुत अच्छी, रटेंगे बहुत, पर अंदर से बात नहीं बनेगी। हमें वैसी बात नहीं करना, अंतर से उस भगवान के साथ, उस परमात्मा के साथ, उस माता रानी के साथ जुड़ना है। अपने इष्ट के साथ एक हो जाएं, उनके चरणों में झुक जाएं। सबसे अच्छे दोस्त वही हैं आपके, आपके पालक वही हैं, उनकी कृपा से सब कुछ होगा। मां तू कृपालु है, दयालु है, मां कृपा कर, कृपा कर, मां कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर, महारानी। माता जी का ध्यान करें, मां के चरणों में जाएं। आपका गोल, आपका संकल्प माता रानी ने पूरा कर दिया। उस संकल्प को, गोल को एंजॉय करें, मां ने कृपा की। थैंक्स करें भगवान का, माता रानी का, अपने गुरुदेव का, और मयूर पंख मुद्रा करें। धीरे धीरे हाथ उठाएं, हाथ को देखें। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज आप पे बहुत कृपा करें, माता रानी कृपा करें,
आपके संकल्प पूरे हों, आपके गोल पूरे हों, आप आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ें, खुश रहें। बस आज इतना ही। आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।